रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मौजूद प्रिंसिपल साहबा, असातज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशनाज मिस आप लोगों के सामने सीनियर सिटीज़न डे का प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीज़न कहते किसे हैं। हिंदुस्तान में 58 साल या उससे ज़्यादा उम्र की औरत और 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के मर्द को सीनियर सिटीज़न कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दिन मनाने की और इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत क्यों है। वो इसलिए कि आज हमारे माशरे में बुज़ुर्गों की बेहुरमती और बड़ों की बेअदबी आम होती जा रही है। मैं पूछती हूँ कि वो कौन सा मज़हब है जो हमें उनकी बेहुरमती का दर्स देता है। कम अज़ कम इस्लाम तो वो मज़हब नहीं है। जिस उम्र में उनका जिस्म और दिमाग काम करना बंद कर देता है और उन्हें उनके अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस उम्र में या तो उन्हें बोझ समझा जाने लगता है या वो ओल्ड एज होम की जीनत बनते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या इस्लाम में ओल्ड एज होम का कोई तसव्वुर भी है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्यारे बच्चों, ये दिन 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिन का हकीकी मकसद है बुज़ुर्गों को उनके हुकूक और अहमियत से वाकफियत करवाना, या यूं कहिए कि प्यार, मोहब्बत, शफकत का पैगाम उन तक पहुंचाना। यूं तो ये तकरीब हम सब तकरीबन 8 सालों से बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपके जहनों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि अपनों को अपनाइत का एहसास दिलाना कितना ज़रूरी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ और काबिल तहसीन है बदरुद्दीन तैयबजी हाई स्कूल के वो तमाम अफराद जिन्होंने इस पाक मकसद को लोगों तक पहुँचाने और उजागर करने में ताउन दिया। हमारे स्कूल में ये दिन दादा दादी और नाना नानी दिवस के शक्ल में मनाया जाता है। हर साल हम बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को इन्विटेशन के ज़रिए मदहु करते हैं, खुशनुमा फूलों से उनका खैर मकदम करते हैं। ज़िंदगी के जिस दौर से गुजर कर ये बुज़ुर्ग हम तक आते हैं उसको सराहना हमारा फरीज़ा है। हम ये भी कोशिश करते हैं कि कुछ खेल कूद, ड्रामा और नगमों के ज़रिए उनका दिल लुभा सकें। कभी उनकी अहमियत का पैगाम लोगों में आम करने के लिए रैली निकालते हैं, तो कभी बिना जात पात का भेदभाव किए हम अनजान बुज़ुर्गों को गुलाब का फूल देकर उनके मुस्कुराते चेहरे को देर तक तकते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम हर साल PPT प्रेजेंटेशन के ज़रिए स्कूल तक आने वाले हर ग्रैंड पेरेंट को उनके हुकूक और अवेलेबल फैसिलिटीज से रोशनास भी कराते हैं। लगातार 6 सालों से फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके उनकी मदद करने की कोशिश भी की है, खेल कूद के मौके फराहम करके उनके बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कराते हैं और उनके बेबाक मुस्कुराते चेहरे को अपनी नज़रों में कैद कर किस कदर सुकून मिलता है इसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। चाय, नाश्ते और तोहफे तहायफ भी किए जाते हैं और जब वो बुज़ुर्ग बेहिसाब दुआएं देते हुए अपने घरों को लौटने लगते हैं तो वो मंज़र बहुत ही जज्बाती कर देता है। अपनी इस छोटी सी कोशिश को जारी रखते हुए मैंने इस साल भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के कुछ ग्रैंड पेरेंट्स को मदऊ किया है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके दम से ही हमारे घर की रौनकें बरकरार हैं। ये हमारा वो सरमाया है, वो धरोहर हैं जिनके बिना ज़िंदगी किसी वीराने से कम नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, इस साल मैंने इस सीनियर सिटीज़न डे के प्रोग्राम को अपने सीनियर टीचर्स जो कि रिटायर हो चुके हैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ और कुछ ही देर में आपके सामने एक और वीडियो पेश करूँगी जिसमें आप हमारे उन तमाम सीनियर टीचर्स से रूबरू हो पाएंगे
जिनके साथ मैंने काम किया है और सभी ने मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है। किसी ने हमदर्दी सिखाई तो किसी ने अपने काम से मोहब्बत, किसी ने अपने सब्जेक्ट पर उबूर पाना सिखाया तो किसी ने ज़िंदगी जीने का सलीका। बच्चों, इसके बाद पिछले तमाम सालों की बीती यादों को ताज़ा करने के लिए साजिदा मिस आपके सामने अपनी पेशकश लेकर हाजिर होंगी। बच्चों, मुझे न सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आपको इस प्रोग्राम का मकसद वाज़े हुआ होगा और इस दिन की अहमियत और हम यौम बुजुर्गान क्यों मनाते हैं इससे आपको वाकफियत हासिल हुई होगी। और आखिर में मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि वो इस बात को इस संजीदगी से लें कि कम अज़ कम ओल्ड एज होम जैसी संस्थाएं आबाद ना हों।
ये यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।